जिले में नवपदस्थ डीएसपी सतीश ठाकुर ने कार्यभार संभालते ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने योजनाबद्ध रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है। इसके लिए डीएसपी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में पार्किंग व्यवस्था को बनाने, व्यापारियों के साथ स्थल का निरीक्षण कर मातहतों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है। डीएसपी सतीश ठाकुर ने बदहाल हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने अपनी कार्य योजना बताते हुए ग्रैंड एसी न्यूज से खास चर्चा की। आइए देखते हैं बातचीत की खास अंश। आज हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग जिला यातायात पुलिस के डीएसपी सतीश ठाकुर जी, जो रायपुर से स्थानांतरित होकर के आए हुए हैं। क्योंकि सतीश ठाकुर जी को जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ज्ञान है, इसके पूर्व भी वो दुर्ग जिले में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज त्योहारी सीजन के मद्देनजर यातायात पुलिस की क्या तैयारियां हैं शहर के बाजारों में पार्किंग को लेकर के? चूंकि लोगों द्वारा ज्यादातर देखा जाता है कि यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो किस तरह से यातायात पुलिस की आगे की कार्य प्रणाली है, इन योजनाओं को लेकर आइए हम चर्चा करते हैं सतीश ठाकुर जी से। सर, सबसे पहले सवाल आपसे की है, चूँकि आप यहाँ पे पदस्थ रहे हैं पूर्व से ही, इस जिले की यातायात व्यवस्था की आपको पूरी तरह से जानकारी है, लेकिन सर अभी देखा जाता है कि अधिकांश चौक चौराहों में यातायात व्यवस्था को लेकर अव्यवस्था की स्थिति बने रहती है, तो इसका निराकरण के लिए और लोगों को सुचारू रूप से यातायात करें, इसके लिए यातायात पुलिस और किस तरह की पहल की जा रही है? त्योहारी सीजन को देखते हुए अभी कुछ दिनों बाद त्यौहार चालू हो जाएगा, भीड़ भाड़ रहेगी, मार्केटों में लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो उसको देखते हुए हम लोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और कल ही हम लोग ने व्यापारियों की बैठक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक भी बुलाई है, और उनके माध्यम से उनकी कुछ समस्याएं थी और कहाँ पे वाहनों की पार्किंग किया जाना उचित रहेगा, जाम की स्थिति निर्मित न हो, और जो भी खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं वो आसानी से वहाँ पे पहुँच सके, तो इसके लिए हम लोग ने कुछ स्थानों को चिन्हांकित किया है। वहाँ पे कई जगह पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे पार्किंग बनाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जैसे जवाहर मार्केट के सामने अभी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो वहाँ पे आने वाले लोगों के लिए पावर हाउस के सामने एक जो पार्किंग की जगह है ब्रिज के नीचे, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। जो सुपेला में आ रहे हैं पार्किंग मार्केटिंग करने के लिए, उनको आकाश गंगा के पास एक मैदान खाली है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो फ्लाईओवर ब्रिज है सुपेला चौक के दोनों तरफ, उस तरफ भी हम लोग उसको क्लीन करा रहे हैं, वहाँ पे वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा चंद्रा मौर्य चौक में भी जो फ्लाईओवर का काम अभी चल रहा है, किंतु दोनों तरफ जगह खाली है, तो वहाँ पे भी हम लोग क्लेम करा के वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। सेक्टर बैंक में जो खरीदारी करने आ रहे हैं उसके आगे एक मैदान खाली है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। सेक्टर 6 ए मार्केट है, वहाँ पे पूर्व में भी पार्किंग की व्यवस्था एक खाली मैदान है वहाँ पे की जाती थी, उसको भी क्लेम कराया जा रहा है। इंदिरा मार्केट में भी पार्किंग की व्यवस्था के लिए खाली मैदान है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। तो व्यवस्था को चिन्हांकित किया जा रहा है, जहाँ पे पार्किंग हो सकती है, लाल मैदान है वहाँ पे पार्किंग हो सकता है, और हमारा ट्रैफिक का बल भी तैनात रहेगा। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड को भी रखने के लिए सहमति बनाई गई है, ताकि त्योहारी सीजन में लोग आसानी से वहाँ पहुँच सके, जान किसी निर्मित न हो, और लोग जो व्यवसाय है उनका भी व्यवसाय अच्छे चले, ये हमारी पूरी तैयारी है। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ लगेगा जान बस्ती निर्मित, वहाँ पे अतिरिक्त बल भी तैनात करेंगे और किसी प्रकार के लोगों को सुविधा न हो। चूंकि सर आपने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर यातायात पुलिस द्वारा पार्किंग को लेकर विशेषकर पूरी तैयारियां की जा चुकी है, लेकिन सर देखा जाता है कि अहम त्योहार के मौके पर जो पार्किंग व्यवस्था पुलिस द्वारा निगम के सहयोग से बनाई जाती है वो पूरी धरी रह जाती है, लोग मनचाहे ढंग से बाजारों में अपने वाहन पार्क करते हैं, जिससे खरीदारी करने या दूसरे लोगों को सर बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए किस तरह पहल की जाएगी? जो पार्किंग स्थल बनाया गया है वहाँ पे लोग पार्किंग करें, इसके लिए हम लोग निगम के माध्यम से उनके सहयोग से वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था भी की जाएगी, और वहाँ पे हमारा जो ट्रैफिक का पेट्रोलिंग पार्टी है वो भी लगातार तैनात रहेगा। इसके अलावा क्रेन का भी, हमारे जो क्रेन पेट्रोलिंग है उसको भी हम लोग ने मोटिवेट करके उसको अलर्ट किया गया है कि जहाँ पे भी कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़े करते हैं जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है, तो ऐसे वाहन चालकों पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, और लगातार सभी के सहयोग से निश्चित रूप से हमारे सीजन में उसमें जो पार्किंग की समस्या लगातार रहती है उसको हम लोग कम करने का, लोगों को सरल सुगम सुव्यवस्थित यातायात सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सर आपने कहा कि सरल सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा प्रयास किया जाएगा, लेकिन सर अभी चूंकि 4 लेन का निर्माण कार्य जारी है, तो इस दौरान सर जो 4 लेन की जो बुरी तरह से दुर्दशा हो चुकी है, इसके पूर्व भी आपके विभाग के अधिकारियों द्वारा, निर्माणी संस्थान द्वारा, PWD के अधिकारियों द्वारा 4 लेन की मरम्मत को लेकर के कुछ पहल की गई थी, पहल करने की बातें कही गई थी, लेकिन सर वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी सर इतनी स्थिति बस से बदतर है कि दोपहिया
वाहन चालकों, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों को बेहद परेशान होना पड़ता है सर। इससे सड़कों की दुर्दशा की वजह से कभी भी दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। मैंने कल ही जो रोड निर्माण एजेंसी है उनके साथ हम लोगों ने बैठक किए थे और बैठक में देखा गया था कि हम लोग लगातार इस रोड में चलते हैं तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे जान जिससे निर्मित होती है, जैसे डबरा पारा हो गया, खुर्सी पार हो गया, पावर हाउस हो गया, चंद्रा हो गया, सोपेला, वहाँ पे जो सर्विस लेन है उसकी स्थिति काफी खराब हो गई है, जिसके कारण जो वाहन है वो धीरे गति से निकलते हैं, जिसके कारण जान जिससे निर्मित होती है। क्योंकि बारिश का समय था तो बारिश के कारण रोड की मरम्मत के कारण डामरीकरण नहीं हो पा रहा था। जो NH के अधिकारियों ने हमको पूर्ण विश्वास दिलाया है कि त्यौहार सीजन से पहले जो चौक रोड खराब हो चुकी है, जैसे चंद्रा बलिया पावर हाउस सुबेला डबरा पारा, वहाँ पे रोड की मरम्मत का कार्य भी कर दिया जाएगा और पार्किंग की व्यवस्था बनाई दी जाएगी ताकि लोग आसानी से यदि रायपुर तरफ जा रहे हैं तो वो आसानी से पहुँच सकें, जान जिससे निर्मित हो। इसका भी हम लोग लगातार संबंधित एजेंसी के साथ बैठक भी कर ली है और मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकें। क्योंकि सर जिन स्थानों में फोर लेन का निर्माण हो पूर्ण हो चुका है वहाँ से जो जो पूर्व में आता है पुलिस द्वारा रास्ता को बाधित किया गया था और अब सर उसे खोल दिया गया तो लोगों की आवाजाही जैसे सुपेला चौक है सर वहाँ से शुरू हो चुकी है। क्योंकि सर आवाजाही शुरू होते ही वहाँ पे किसी ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी की तैनाती नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सवेरे से शाम तक दुर्घटना का अंदेशा बने रहता है। लोग मनमाने ढंग से सर अपने वाहनों को एक ओर से दूसरी ओर लाना ले जाना करते हैं तो इस व्यवस्था की स्थिति को दुर्घटना जन्य स्थिति बनने से रोकने किस तरह पहल की जाए। जो सुपेला चौक है पहले चूंकि वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा था, अभी वहाँ पे जो डिवाइडर था उसको चौक को खोल दिया गया है। पहले यू टर्न करके लोग आते थे किंतु अब दोनों तरफ से आवागमन चालू हो गया है जिससे दुर्घटना की संभावना लगातार बनी रहती है। कल हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे TISR के साथ और संबंधित एजेंसी के साथ तो वहाँ पे जो ट्रैफिक का बल है वहाँ पे दोनों तरफ तैनात किया गया है और जो एजेंसी है उसको ब्लिंकर लाइट लगाने के लिए बोला गया है और कुछ स्थानों पर भी पोल भी लगे हुए हैं सपोर्ट करने के लिए, उसको भी सीधे इसको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे जो ब्लिंकर लाइट है ताकि जो भारी वाहन है जो चौक से अनभिज्ञ है जिसको जानकारी नहीं है कि आगे चौक है वो ब्लिंकर लाइट देकर वहाँ पे अलर्ट हो जाएगा, अपने वाहनों को नियंत्रित करेगा और जो ट्रैफिक के जवान है उनको हम लोग सेफ्टी जैकेट के साथ साथ वायरलेस सेट के साथ भी तैनात रहने के लिए बताया है और वहाँ पे दो बल जो पीक हवा है उसमें तैनात रहेगा ताकि वहाँ पे दुर्घटना भी ना हो और लोग आसानी से उस चौक को पार कर सकें। सर आखिरी सवाल आपसे ये कि शहर के ज़्यादातर बाजारों में अप्रोच रोड को लोगों ने वाहन पार्किंग में तब्दील कर दिया जिससे आवाजाही करते लोग परेशान होते हैं, बावजूद इसके अवैध पार्किंग का सिलसिला अभी तक जारी है। नहीं, इसके लिए ऐसे स्थान जहाँ पे लोग अवैध पार्किंग करके रखते हैं, बाहर सामानों को बाहर निकालते रखते हैं जिसके कारण यातायात जाम की स्थिति निर्मित होती है तो ऐसे स्थानों को हम लोग चिन्हांकित करेंगे और नगर निगम के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। जो सामान निकाल के उसको निकाल के रखे हुए हैं उस पर निश्चित रूप से नगर निगम कार्रवाई करेगा और ट्रैफिक को हम लोग स्मूथ चलाने का और लगातार पेट्रोलिंग करेंगे ताकि लोग जाम की स्थिति में ना फंसे और एक अच्छा ट्रैफिक देखने को मिले। सर शहर के वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सभी वाहन चालकों से आग्रह यही है कि यदि वो दो पहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग करें, चार पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं, मोबाइल से बात करते हुए वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, रॉन्ग साइड वाहन न चलाएं, ओवरटेक करने से बचें और यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वयं भी दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे और सामने वाले को दुर्घटना का शिकार होने से बच सकेगा। जो सड़क दुर्घटनाओं को रोकना उसको कम करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। ये थे हमारे साथ DSP सतीश ठाकुर जी, जिन्होंने हमें पूरे विस्तार से शहर की यातायात जिले की यातायात व्यवस्था के बारे में बताया और अभी चूँकि आने वाले दिनों में त्यौहार शुरू होने वाले इसे लेकर के यातायात पुलिस द्वारा पार्किंग की व्यवस्था को लेकर तय किए गए मापदंड चिन्हित जगहों को चिन्हित कर लिया गया जिससे खरीदारी करने आए लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आसानी से खरीदारी कर सकें। चूँकि वाहन चालकों को भी इस अव्यवस्था की स्थिति से बचने यातायात पुलिस द्वारा बनाए गए नियमों का प्लस पार्किंग स्थल में ही अपने वाहनों को खड़ा किए जाने की जरूरत है जिससे वह स्वयं भी निश्चित रूप से खरीदारी कर सके, इसकी वजह से दूसरों को भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।